है जिसे लली चौधरी। आप देख लली चौधरी का न्यू ब्लॉग काफी दिनों के बाद आ रहा है। तो अभी फिलहाल में मैं खड़ा हूँ गौर यमुना सिटी में, और ये है सॉरी वो है पीछे श्याम, और ये है श्याम के बुआ के लड़के, इनका नाम है अमित। तो अभी हम इन्हीं के ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। और ये पीछे जो दिख रहे हैं आपको बिल्डिंग पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो जो पीछे का एरिया है वो है गौर यमुना सिटी। अभी हम वहाँ पर चलेंगे। अभी आए थे हम सुबह 11 बजे करीब घर से निकले थे, काफ़ी धूप हो रही थी उस वजह से दिक्कत इतनी हो गई बाइक पर आने पर। गर्मी का मौसम आप लोग समझ सकते हो। अभी आके हमने इनके ऑफिस में बैठे थे थोड़ी देर, करीब आधा घंटा हुआ हमें बैठे हैं, पानी वगैरह पिए हैं। अभी जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। अभी हम यहाँ पे यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे एंड घूमेंगे थोड़ा बहुत। तो देखते हैं आगे के ब्लॉग हमारा कैसा रहता है। मतलब वैसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। और मैंने इन्होंने बोला था इनको कुछ काम था, बुआ के लड़के जो हैं अमित भैया इनसे कुछ काम था इनको, तो इन्होंने जो भी काम था जो बातें थी उन्होंने कर ली हैं। अभी फिलहाल में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं हम बाहर। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सीन है, जैसा भी है। तो वीडियो अगर पसंद आए ना तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यार सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम खड़े हैं लेक के पास, ये गौर यमुना सिटी के पास ही है। एंड ये पीछे एरिया इतना ज़्यादा शानदार है, वो पीछे विला वगैरह है, गौर यमुना सिटी तो वो पीछे है। आपको शायद दिखाई नहीं, नहीं दिखाई दे रही, उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर जो बिल्डिंग है। लेक पे ही घूम रहे हैं हम, बहुत देर हो गया। तो अभी उस ब्रिज के ऊपर चलते हैं एंड दो चार इंस्टा की रील्स वगैरह शूट करते हैं। अगर आपको मेरा इंस्टा अकाउंट नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप जाके वहाँ से मेरा इंस्टा अकाउंट देख लेना और फॉलो कर लेना अगर रील वगैरह पसंद आए तो मेरी। और वो है पीछे गौर यमुना सिटी, अभी वहाँ पर चलते हैं। पहले भूख लग रही है, चलते हैं पहले कुछ खाते हैं, भूख लग रही है, उसके बाद चलते हैं आगे ब्लॉग, तब कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस दिस इज भुक्कड़, देखो समोसा कैसा खा रहा है, ऐसा कभी मिला ना। तो गाइस अभी बैठे हैं यहाँ पे एंड भूख लगी थी काफ़ी, तो अभी समोसा ऑर्डर किया है सामने। तो ज़्यादा कुछ मतलब ये बोल रहे थे कि समोसे खाते हैं, बाकी कुछ बाहर खाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ खाने का मन नहीं है इतना। अभी समोसे ऑर्डर किए हैं, समोसे खा रहे हैं, टिकट खा लिया है, दूसरा चल रहा है, अभी समोसे खाते हैं उसके बाद चलते हैं यहाँ से। काफ़ी देर हो गए, 2:30 बज गया, सुबह के 11 बजे से आए हुए, 11:30 बजे से आए हुए, अब 2:30 बज गया, काफ़ी टाइम हो गया। अभी चलते हैं क्योंकि घर पे जाऊंगा, पापा की भी डांट लगेगी, उनको बोल के नहीं आया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो अभी जल्दी से खाते हैं, फिनिश करते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। भैया उनसे हेलमेट वगैरह लेना, अपना हेलमेट रह रहा है मेरा एंड हाँ हेलमेट रह रहा है, हेलमेट लेना, उसके बाद चलते हैं सीधा घर। तो गाइस ये है गौर यमुना सिटी का सेल्स ऑफिस। तो ये जो श्याम थे वो यहीं पर जॉब करते थे, मैं आपको बता दूं, आपको मतलब ये भी होगा कि श्याम कहाँ पर जॉब करते थे, यहीं पर करते थे। और अभी श्याम अंदर होके आ चुके हैं, इनको कुछ मतलब जो भी बात वगैरह करनी थी पुराने स्टाफ से वो करके आ गए हैं एंड अभी हम चलते हैं।
सो गाइस घूम लिए हैं काफ़ी और व्लॉग भी बना लिए। अब चलते हैं सीधे घर और पीछे बाइक निकाल रहे हैं श्याम और वो पीछे जो भैया का ऑफिस है वहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुके हैं क्योंकि अपना हेलमेट वगैरह मैं यहीं रख के गया था। तो अभी चलते हैं सीधा घर तो अभी व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया थोड़ा बहुत भी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड एक प्यार सा कमेंट कर देना। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा सा सूट नहीं हो पाया लेकिन जैसा भी हुआ है वो आपके सामने है। ठीक है तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।